तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ HSPT के सेकंड असाइनमेंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, जो बच्चे हरियाणा स्टेट बोर्ड से डिप्लोमा डी फार्मेसी डी फार्मा कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो बच्चे फर्स्ट ईयर में हो गाइज, तो उनका सेकेंड असाइनमेंट का डेट आ चुका है। इट मीन सेकेंड सेशनल का भी डेट आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे री अपीयर के थे 18 या 19 बैच के फ्रेंड्स, उनका भी असाइनमेंट का डेट आ चुका है। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ है डेट, कब पेपर होगा फ्रेंड्स, आपका एग्जामिनेशन मोड क्या होगा सेकेंड असाइनमेंट का, तो फ्रेंड्स मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना फ्रेंड्स, एंड वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उसे भी पता लग सके कि सेकेंड असाइनमेंट कब से स्टार्ट है फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि जो बच्चे का सेकेंड असाइनमेंट होने वाला अभी, उनका फ्रेंड्स HSPT की तरफ से कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे नहीं आया है फ्रेंड्स, और ना आएगा कभी फ्रेंड्स। ये बात आप ध्यान रखना, आप वेबसाइट को मत चेक करना, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट कॉलेज वाइज भेज दिया जाता है। जितने भी असाइनमेंट होते हैं फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट सेकेंड या नेक्स्ट और भी कोई टेस्ट हो गया, तो उनका जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट के ऊपर नहीं शो करेगा, आपके कॉलेज के ऊपर डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास गवर्नमेंट प्रोडक्ट झज्जर का एक नोटिफिकेशन आया फ्रेंड्स। उनका जो सेशनल है वो 4 तारीख से चालू हो रहे होना फ्रेंड्स, 4 अप्रैल से सेकेंड असाइनमेंट चालू होने वाला है फर्स्ट ईयर का। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, मैं अभी उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, बट 95% ऐसा कॉलेज है जिनका जो असाइनमेंट है वो 4 तारीख से ही रखा गया है, और बहुत कॉलेज ऐसे हैं जिनका 5 तारीख से भी रखा गया है, और 2-4-10 ऐसे कॉलेज है जिनका असाइनमेंट हो चुका है सेकेंड असाइनमेंट। तो फ्रेंड्स, आप जिस कॉलेज में पहले, आप उस कॉलेज से कांटेक्ट करें एग्ज़ाम ब्रांच में, या अपने टीचर से, या अपने एचओडी से, और आप वहाँ से एक बार कांटेक्ट कर लें कि आपका जो सेकेंड असाइनमेंट है चालू कब से होने वाला है। फ्रेंड्स, मैक्सिमम कॉलेज में 4 अप्रैल से असाइनमेंट चालू होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झज्जर का मेरे पास लिस्ट है फ्रेंड, यहाँ पे भी 4 अप्रैल का पेपर है, अप्लाइड फिजिक्स का, इंग्लिश का, मैथ का, EBS का। फ्रेंड्स, एक दिन में 2 पेपर लिया जाएगा फ्रेंड्स, और एग्जामिनेशन मोड बताता हूँ अब फ्रेंड्स। आपका एग्जामिनेशन मोड ऑफलाइन रहेगा, इस बार कोई ऑनलाइन मोड में आपका असाइनमेंट नहीं लिया जाएगा फर्स्ट ईयर का, सारे का पेपर असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में ही होगा, कॉलेज में जाकर आपको पेपर देना पड़ेगा एज यूजुअल जैसे आप पहले देते थे फ्रेंड्स। मैं थर्ड बात बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में, कि जो बच्चे री अपीयर के थे वो असाइनमेंट कैसे दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे री अपीयर के थे 18-19 बैच का फ्रेंड्स, अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें, और उनको भी अपना एडमिट कार्ड लेकर ऑफलाइन असाइनमेंट देना पड़ेगा, उसका भी ऑनलाइन का कोई चांसेज नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इन तीनों बातों का ध्यान रखें, सबसे पहले अपने कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें फ्रेंड्स, अपना डेट को फिक्स करें, और डेट पता करें कि कब से असाइनमेंट चालू है। फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि टेंटेटिव आपका जो पेपर है 4 तारीख से ही चालू होगा, 4 अप्रैल से मैक्सिमम कॉलेज में, बट सारे कॉलेज का ऐसा नहीं है। गुड़गांव हो गया, झज्जर हो गया फ्रेंड्स, महम हो गया, रोहतक हो गया, ऐसे कॉलेज हैं जिनका 4 तारीख से पेपर रखा गया, जैसे कि मेरी इस कॉलेज में बात होती है प्रिंसिपल से और HOD से, और ऐसे कॉलेज हैं बहुत सारे जिसमें ले लिया गया, प्राइवेट कॉलेज ऐसे जिसमें ले लिया गया है। तो आप डोंट वरी, घबराए मत, आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट करें, डेट पता करें, और आपका पेपर मोड में बता दिया ऑफलाइन ही रहेगा फ्रेंड्स, आप कॉलेज में जाकर अपना असाइनमेंट दे देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं डाउट क्लियर करूँगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स।